Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Sir Deshmukhi and Chauth. ये जो सर देशमुखी हैं और चौथ हैं, these two form the major source of revenue और income for the Marathas. ये Marathas के two important source थे income के, और sometimes इनको as a tool कहा जाता था, as a tool of sheer plunder और loot. ठीक है, अब देखते हैं ये थे क्या. सो ये जो सर देशमुखी हैं, इट वॉज एन एक्सेक्शन ऑफ 10%. ये 10% इम्पोज किया जाता था एज अ रेवेन्यू ऑफ द एंटायर मराठा लैंड, एंटायर मराठा किंगडम. जो शिवाजी हैं, ही क्लेम्ड इट एज अ सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री, दैट इज द सर देशमुख, दैट इज दी हेड ऑफ देशमुख. हु आर देशमुख, हम जस्ट इससे पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं हु आर देशमुख. ठीक है, और ये जो चौथ है, ये जो है दैट इज द 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द नेबरिंग चीफ स्टेन्स or the feudal lords whose territories did not form the part of homeland or Swarajya. This is in brief about the Sir Deshmukhi and Chauth. Now let's see in detail about these two revenue terms. अच्छा, ये जो Sir Deshmukhi हैं, Sir Deshmukhi was collected by, first is Sir Deshmukhi. ये जो Sir Deshmukhi हैं, it was collected by Maratha king. कहाँ से? From the autonomous feudal lords से. Autonomous feudal lords जिनको देशमुख कहा जाता था. Okay? और ये जो feudal lords थे, they were living और they were जो उनका region जहाँ पे रहते थे, they were in the peripheral areas of in and around the Maratha kingdom. So, अच्छा, ये जो हैं, ये autonomous हैं. So, it indicate that they were under the nominal control of the king. King का control बहुत ही minimum होगा उनके ऊपर. ठीक है, वो अपना सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो अपनी टेरिटरी जो उनको ग्रांट की गई है, रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल पावर, सारी इनके पास रहती थी. सो इन दिस वे दीज आर अंडर द नॉमिनल कंट्रोल ऑफ द किंग. अच्छा, ये जो देशमुख हैं, दीज देशमुख आर लाइबल टू पे और यूज टू पे 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. जितना भी उनका रेवेन्यू हुआ है, लेट से 100 रुपीज़ हुआ है, 10%, तो 10 रुपीज उनको देना होता था टू दी मराठा किंग. ठीक है, एज सर देशमुखी चार्ज. और ये किस बेसिस पे देना होता था? सो इट वॉज एन रिकग्निशन ऑफ ओवर लॉर्डशिप ऑफ मराठा किंग बाई देशमुख. दैट इज द मराठा किंग इज सुप्रीम टू रिकग्नाइज द ओवर लॉर्डशिप ऑफ मराठा किंग. नाउ जो प्रोसीड होता था चौथ का, दैट इज जो इनकम होती थी चौथ से, सो इट वॉज डिवाइडेड, ये डिवाइड करी जाती थी बिटवीन द मराठा रूलर और बिटवीन द मराठा किंग एंड द कमांडर. अब यहाँ पे कमांडर को भी शेयर दिया जाता था चौथ में, लेकिन सर देशमुख में, बिकॉज सर देशमुख दैट इज द हेड ऑफ द देशमुख, और वो उनकी हेरिडिटरी लैंड है जहाँ पे जो सर देशमुख ले रहे हैं जिस एरिया से, दैट इज वाई यहाँ पे
उसको शेयर नहीं किया जाता था, और जो सर देशमुख है वो सिर्फ और सिर्फ मराठा किंग्स के पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए रखा जाता था। लेकिन अब चौथ में क्या हुआ, इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन द मराठा किंग्स एंड द कमांडर। जो इसमें 75% जो मनी था ऑफ द चौथ, इट वॉज गिवेन टू लोकल मराठा कमांडर्स को, मराठा कमांडर्स को दिया जाता था। ठीक है, मराठा कमांडर्स को दिया जाता था। और जो 16% जो बचता था, जो 25% में जो 16% जो और बचा है, इट वॉज गिवन टू किंग टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उससे किंग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते थे। फर्दर जो 6% उसके बाद और बचा, ठीक है, ऑफ द चौथ, इट वॉज रिसीव्ड बाई पंत सचिव टू मैनेज देयर एक्सपेंडिचर। 6% चौथ में से पंच सचिव को दे दिया जाता था टू मैनेज देयर एक्सपेंडिचर। अब कितना बचा, 3% बचा। जो 3% बचा है, इट वॉज रिजर्व फॉर द किंग। ये फिर से किंग के लिए रिजर्व किया जाता था, और इसका मेन यूज क्या होता था, सो किंग मस्ट यूज दीज 3% टू फॉर डोनेशन, डोनेशन पर्पस के लिए 3% का यूज करेंगे किंग। ठीक है, सो इन दिस में ये जो 100% है वाइफर गेट होता था। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये चौथ है, इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ मराठास, relationships of Marathas with whom, of their neighbors. So जो element था of the fear and hostility वो reduce हो गई। because क्या होता था कि जब पहले regular जो raids करते थे ये जो Marathas में, इसमें काफ़ी fear और hostility generate हो जाती थी in the neighbors में। but जो neighboring state है of the Marathas strongly dislike चौथ, वो जो neighbors हैं, although कुछ हद तक फेयर और हॉस्टिलिटी तो रिड्यूस हुई, लेकिन काफ़ी स्ट्रांगली डिसलाइक करते थे ये चौथ को। इट इज़ बिकॉज इट वॉज ऑफ 25% टोटल रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ मराठास को देता है इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सेफ्टी। उसके बाद जो वो रेगुलर जो भी उनकी जो भी किंग है वो उनको पे करते थे, दैट इज़, तो उनको आप सोच कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 25% तो चौथ उनको दे रहे हैं, उसके बाद फिर स्टेट को देना है, फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो भी है उसको सब देते थे, उनके पास कुछ नहीं बचता था। दैट इज़ द वाई जो भी स्टेट्स इनको देते थे, नेबरिंग स्टेट्स, वो काफ़ी डिसलाइक करते थे इस टैक्स को, दैट इज़ द चौथ। और यही रीज़न था, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिसलाइकिंग, और ठीक है, यही था कि when the Marathas needed the wholehearted support of Indians neighbors, ये जो rulers थे, जो neighboring state के rulers थे, इनका support चाहिए था जब Marathas को during the third battle of Panipat against the Ahmad Shah Abdali, वो उनको नहीं मिल पाया, और it doomed the fate of Marathas। ठीक है, तो ये था चौथ एंड द सरदेशमुख। लेट्स इवन क्वेश्चन, चौथ एंड द सरदेशमुखी वर द टैक्सेस कलेक्टेड इन द मराठा किंगडम, फर्स्ट में सेज दैट, सेकंड, चौथ वाज एन एडिशनल लिवाई ऑफ 10% ऑन द लैंड रेवेन्यू। फर्स्ट क्या कह रहा है, चौथ एंड सरदेशमुख वर द टैक्स कलेक्टेड इन द मराठा किंगडम्स, नो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द चौथ वाज एन एडिशनल लिवाई ऑफ 10% ऑन लैंड रेवेन्यू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।